इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स बरतानिया का दूसरा सालाना इज्तमा और अशाइया तकरीब बरतानवी दारुल खुलाफा लंदन के मुकामी होटल में इनाकात पजीर हुई, जिसमें बरतानिया भर से कारोबारी कम्यूनिटी ने अपने ख़ानदानों के हमरा भरपूर शिरकत की। इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुस्लिम कारोबारी अफराद के दरमियान राब्ते का अहम जरिया है, ताकि बरतानिया में बसने वाले मुस्लिम कारोबारी अफराद आपस में अपनी अशिया को मुतारफ करवा सकें। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। इस मौका पर सवालों जवाब पर मबनी एक अहम नशिस्त हुई, जिसमें मुमताज़ कम्युनिटी लीडर मुश्ताक लाशारी, शहजादा हयात, मीर इकराम और दीगर ने इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुतल्लिका तनकीदी सवालात उठाए, जिसके मुंतजमीन ने तसल्ली बख्श जवाब दिए। आज सेकेंड एनिवर्सरी थी इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, और आज मैंने यहाँ पे होस्टिंग की, जैसे कि आप सब ने देखा, गीत गाए, प्रोग्राम में चार चांद लगाए, गज़लें गाई, गीत गाई, हमने अपने पाकिस्तानी गाने गाए, अपने मैडम नूर जहान को प्रमोट किया, लता जी को प्रमोट किया, जब हम इंडिया और पाकिस्तान को इकट्ठा लेकर चले हैं। लेकिन उसके साथ बहुत अच्छा लगता है कि ओवरसीज़ में हमारी कल्चर, हमारी सकाफत, जो यहाँ पर ओवरसीज़ के पाकिस्तानी सारे इकट्ठे होते हैं और सब मिलकर इंजॉय करते हैं, और लोगों का रिस्पांस भी बहुत ज़बरदस्त था, बहुत इंजॉय किया लोगों ने, बल्कि मेरी धुनों पे आज नाचे हैं। आज मुझे ऐसे लग रहा था मैं पाइट पाइपर ऑफ हैमलिन थी, कि मेरी ना ट्यून्स के ऊपर वो नाच रहे थे, यू नो, सो इट वाज ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच आप सबका आने के लिए। थैंक्स जी। अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज दूसरी एनिवर्सरी है इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, हम लंदन में कर रहे हैं, और इसका जो थीम है, जो बेसिस फॉर इस फॉर्मेशन है, जो रीज़न बिहाइंड है, और जो हमारी फ्यूचर प्लानिंग है, वो एक वर्ड में बताऊंगा। हम एक उम्मत हैं, हमारा एक खुदा है, हमारा एक नबी है। तो हमारे दरमियान जो डिफरेंसेस आ गए हैं, जो हमने मज़हबी बुनियादों पे, ज्योग्राफी के बुनियादों पे, लिसानी बुनियादों पे, जो हमने अपने आप को अलहदा कर लिया, या सोशल वैल्यूज़ के हवाले से हमने अलहदा अलहदा बैठते हैं, अलहदा अलहदा कलाम करते हैं, हम एक दूसरे की महफलों में नहीं जाते, हमने एक टैग लगा लिया हुआ है। आपने टैग लगाया है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई गुनाहगार है, कोई मोमिन है, कोई मुत्तकी है, और आधे लोग काफ़र हैं, आधे मुसलमान हैं, और दूसरे लोगों के लिए वो काफ़र हैं और ये मुसलमान हैं। ये सारे टैग्स को ख़त्म करने के लिए हमने इस ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ 2 साल पहले किया था, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हर किस्म के, हर मकतबा फ़िक्र के, हर सोशल स्टेटस के लोगों को इकट्ठा बैठाया जाए। जब वो इकट्ठे एक टेबल पर बैठ के 2-4 घंटे खाना खाएँगे, गप्पे मारेंगे, तो जो उनके दिमाग में मिसकंसेप्शन है, चाहे वो किसी वजह से भी है, चाहे कॉन्शियसली है या सब कॉन्शियसली है, वो उनके मिसकंसेप्शन दूर होंगे और वो दोस्त बनेंगे, ऐसा यूनिटी आएगी। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस रही है। हम बहुत डिफरेंट चैम्बर्स में गए थे, जिनसे हमने इंडोर्समेंट भी ली है। हम रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, पेशावर, बहुत डिफरेंट चैम्बर्स के साथ हमारी इंडोर्समेंट हुई है, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस भी काफ़ी है। हमारे मेम्बर्स में भी इंक्रीज हुई है, और आज हमने उनको सेलिब्रेशन के लिए, एक अवेयरनेस रेज करने के लिए, ये हमारे मेम्बर्स से उनको थैंक यू करने के लिए ये डिनर ऑर्गेनाइज़ किया था, और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह। असल में ये जो है मौजूदा दौर, ये कॉमर्स का दौर है। आपको पता है जो बिज़नेस है वो अमेज़ॉन से चलते हैं, लोग डिफरेंट किस्म के चैनल बनाते हैं, उनके ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स फरोख्त करते हैं, उनके प्लेटफार्म मौजूद हैं। जैसे इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म जो है वो अमेज़ॉन है। अभी इस वक्त तो वो बिलियनर हैं, लेकिन कहते हैं दुनिया में फर्स्ट ट्रिलियनर अमेज़ॉन की कंपनी बनेगी, जब कभी बनेगी। तो इसी तरह हमारा ख्याल था कि मुसलमानों में इत्तफाक नहीं है, बल्कि उनमें इख्तलाफ राय ज़्यादा है, उनमें कबीले ज़्यादा हैं, उनमें आप समझें जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो डिफरेंट हैं, और उनको मुनज़्ज़म होकर काम नहीं कर रहे हैं। इस वक्त अगर मैं दुनिया में देखूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा जो मुनज़्ज़म लग रहे हैं वो मुझे इस्माइली लग रहे हैं, जो कि जिसके को हेड है हाजिर इमाम है, जो कि प्रिंस करीम आगा खान है। अब उनकी ऑर्गेनाइजेशन को देखो, वो एक मिसाली ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। एक दफ़ा मैं उनकी स्पीच सुन रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी कम्युनिटी में कोई बैगर्स उनको नहीं मिलेगा। वाकई बात, उसके बाद मैंने खुद भी रिसर्च की, मैंने कभी किसी इस्माइली कम्युनिटी में किसी भविष्य मांगने वाले को नहीं देखा। वो कम्युनिटी बेस्ड है, जिन्होंने अपने स्कूल बनाए हुए हैं, जिन्होंने अपनी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई हैं, जिन्होंने अपने काफ़ी इंस्टीट्यूशन बनाए हुए हैं, और अपने लोगों को बेशुमार मदद करते हैं। तो उनकी जो कम्युनिटी है वो बिज़नेस बेस्ड कम्युनिटी है।
तो एक दूसरे को सपोर्ट करके और सब वेल ऑफ हैं, सारे अच्छे हैं। इसी तरह मुसलमानों के लिए अगर एक प्लेटफार्म होता, अगर एक प्लेटफार्म मिल जाए कि जहाँ पे वो अपने बिजनेस को कर सकें, अपने कॉमर्स को एक जगह पे कर सकें, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो यही समझते हुए इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इनका की बुनियाद रखी गई, तो देखते हैं ये कामयाब रहता है या नहीं। बड़ी बात तो ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन जो नाम है इस्लामिक चैम्बर इज़ वेरी इंस्पायरिंग। दिस इज़ द टाइम वी शुड बी प्राउड दैट वी आर मुस्लिम, दिस टाइम वी शुड बी प्राउड दैट वी कैन डू मुस्लिम थिंग्स। इससे बड़ी इंस्पायरिंग की बात है कि आज हम इस्लाम के नाम पे इकट्ठे हुए हैं, मस्जिदों में लोग इकट्ठे होते हैं, महफिल में इकट्ठे, आज हम बिजनेस के काम पे इकट्ठे हुए हैं। बिजनेस सिखा ही मुसलमानों ने है, लेकिन हम चूँकि नालायक मुसलमान हैं इस वक्त, तो वो हमारे हाथों से चली गई है, हमारे हाथों से चली गई है कि हमें वो काम करना नहीं आया। आज की जो बात है, मैं ये कहता हूँ जो लोग आए हुए हैं उन्होंने ये कहा कि हमें मुस्लिम चैम्बर की ज़रूरत है, मैं कहता हूँ बहुत ज़रूरत है। मुसलमान एक दूसरे के साथ बिज़नेस करें, मुसलमान एक दूसरे को बिज़नेस सिखाएं, मुसलमान एक दूसरे के लिए बिज़नेस चैम्बर बना के अपने आने वाले बच्चों को बिज़नेस करने सिखाएं। बड़ी खुशी होती है कि हमारे पाकिस्तानी जो भाई हैं, मुसलमान भी कहला मुसलमान है पहले फिर पाकिस्तानी हैं, और बरतानिया में आके मुख्तलिफ तनज़ीमें चलाते हैं, मुख्तलिफ आइडियाज़ आते हैं, तो हमारा काम उनकी सपोर्ट करना कि जैसे भी हो उनकी जो नीयत है वो बड़ी अच्छी होती है। तो अगर हम उनको सपोर्ट करें सारे मिलजुल कर, कोई थोड़ा सा वो करें, ज़्यादा करें, जितना भी करें, अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे तो नाम हमारा ही होता है मुस्लिम, इसका नाम है अगर इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया या पाकिस्तान के नाम पर हुआ या किसी चीज़ के, जो भी भाई कुछ करे तो हमारा ये काम है कि उनकी सपोर्ट करें। मैं समझता हूँ कि जो इस्लामिक चैम्बर्स है इट्स अ वेरी गुड आइडिया, और इससे हमारे जो पाकिस्तानी और मुसलमान हैं बिलखसूस उन सब के लिए ये इट्स अ ग्रेट आइडिया एंड आई विश देम वेरी वेल। मेरा नाम अदनान जमील है, मैं चेयरमैन हूँ इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सारे मेहमानों का जो अपना कीमती वक्त निकाल के लाए। आज हमारे पैनल पे कुछ 2-3 पॉइंट्स जो उठे हैं जिसकी मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये सवाल किए गए, और हमारा जवाब उसमें ये था कि हम आने वाली नस्लों के लिए क्या कर रहे हैं, हम उनके लिए प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हम उनको हमारी जो नॉलेज है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसके लिए हमने 3-4 पायलट्स शुरू किए हैं जिसमें लंदन की कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर हम कुछ काम कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स को हम ला रहे हैं उनको ट्रांसफ़र, हम नॉलेज जो है एक्सपर्ट्स की वो उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जी बहुत अच्छा था, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत डिटेल में बात कर रहे थे, बहुत पैशनेट थे उसके बारे में, खाना भी बहुत अच्छा था। I learned that they are uniting Muslims all around the world. इस मौका पर नज़र लोदी इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रूहे रवां बैरिस्टर ज़ीशान मियां, अदनान जमील, डॉक्टर मलिक और दीगर ने खताबात करते हुए कहा कि बरतानिया में बड़ी तादाद में मुस्लिम कारोबारी कम्यूनिटी आबाद है जिनके माबैन राब्ते का फुकदान है। इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स फासले कम करने के साथ साथ ताल्लुकात इस्तवार करने में कलीदी करदार अदा करेगा। इस मौका पर डॉक्टर ताहिर पाशा ने अपनी नई प्रोडक्ट्स बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नई तंजीम का ऐलान करते हुए 9 मुंतखब ओहदेदारान से हलफ भी लिया गया। लंदन की मारूफ बरतानवी नयात पाकिस्तानी फनकारा व मेज़बान हुमैरा किंग ख्वाजा ने अपने फ़न का भरपूर मुजाहरा करते हुए शुरका को बेहद महसूस किया। मुकर्ररीन का मजीद कहना था कि इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स बरतानिया में मुस्लिम कारोबारी अफराद को आपस में जोड़ने में अहम किरदार अदा कर सकता है, लिहाजा कम्यूनिटी को चाहिए कि इसे फ़ाल और मजबूत बनाने में आगे बढ़कर इसके दस्तोबाजू बने ताकि इदारा अपने मुकर्रा अहदाफ जल्द अज जल्द हासिल कर सके। SM इरफान ताहिर, वर्ल्ड न्यूज़, लंदन।